हेलो गाइस, वेलकम बैक टू केतन व्लॉग्स। एंड ये है हमारा व्लॉग नंबर 22। सॉरी गाइस, ये व्लॉग आप देख रहे हैं 23rd व्लॉग वाले दिन, क्योंकि थोड़ा सा इशू हो गया था तो इस चक्कर में व्लॉग आ नहीं पाया 22nd डे पे ही। तो आज हम टेस्ट करने वाले हैं इस व्लॉग में कि मतलब जब गाड़ी चल रही होती है और तब हम अगर हैंड ब्रेक लगा देते हैं, मतलब पार्किंग ब्रेक अप्लाई करते हैं, तो क्या होगा मुझे भी नहीं पता एग्जैक्टली क्या होगा। तो ट्राई करेंगे आज ये हम। रिकमेंडेशन मेरी यही है आप सबसे कि आप ऐसा कुछ ना ट्राई करें। तो जल्दी जल्दी व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। सब्सक्राइब टू केतन व्लॉग्स एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू नेवर मिस एनी वीडियो। जैसा कि अब गाड़ी चल रही है आप लोग देख सकते हैं, एक बार मैं इसको 40-50 तक लेके जाऊंगा और उसके बाद मैं अप्लाई करता हूँ ब्रेक्स। तो अब जो है गाड़ी 40 टच कर चुकी है 50, तो अब मैं अप्लाई कर रहा हूँ ब्रेक, पार्किंग ब्रेक। देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ से ब्रेक लगा दिया एंड कुछ भी नहीं हो रहा। गाड़ी जो है थोड़ी दबने लग जाती है एंड ब्रेकिंग तो लगेगी, मतलब स्पीड तो कम होगी अगर हम ब्रेक्स अप्लाई कर रहे हैं तो। कुछ भी नहीं होता, मैं दोबारा करके दिखाता हूँ आपको। देख सकते हैं आप, मैंने वापस खींच दिया, सिर्फ और सिर्फ ये बीप देने लग जाती है गाड़ी पार्किंग ब्रेक लगने की। तो अगर आप एकदम से ज़्यादा तेज खींच देंगे 20-30 की स्पीड पे, तो हो सकता है कि हल्की सी स्किट भी लग जाए। बाकी ऐसा सच कुछ भी नहीं होगा। बाकी मैं आपको एक बार रोकने के बाद एंड हैंड ब्रेक लगा के चला के दिखाता हूँ। एक बार रोक लेता हूँ मैं गाड़ी को। तो अब आप लोग देख सकते हैं स्पीड हो चुकी है बिल्कुल जीरो एंड अब मैं यहाँ से पार्किंग ब्रेक अप्लाई कर रहा हूँ, अब मैं चलाता हूँ गाड़ी। तो गाइस, गाड़ी चल तो रही है लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोड पड़ रहा है इंजन पे। ये मैं ज़्यादा इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि इससे जो है इंजन पे काफ़ी ज़्यादा लोड पड़ता है, तो ये हार्मफुल भी हो सकता है आपकी गाड़ी के लिए। बाकी एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी कई सारे लोग होते हैं जो एक्सीडेंट के अंदर एकदम से पार्किंग ब्रेक अप्लाई कर देते हैं, वो सोचते हैं कि हाँ अभी हमारी गाड़ी कंट्रोल में आ जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये जो पार्किंग ब्रेक है इससे आपकी गाड़ी एकदम से स्लिप भी हो सकती है एंड एकदम से कंट्रोल में तो आएगी नहीं, हल्की सी स्पीड ही कम करेगी जैसे नॉर्मल ब्रेक कम करती है स्पीड। तो यही था टेस्ट, आप सब लोगों ने देख लिया होगा। कुछ भी नहीं होता, सिर्फ गाड़ी जो है बीप देने लग जाती है, पार्किंग ब्रेक का यहाँ सिंबल आ जाता है, बस और कुछ नहीं होता इससे ज़्यादा। तो गाइस, इस ब्लॉग के अंदर हम यही टेस्ट करने वाले थे जो कि हमने पूरा कर लिया है, ये वाला टेस्ट। तो आई होप आपको पसंद आई होगी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। सो मीट यू इन द 23rd व्लॉग एंड 23rd व्लॉग आज रात 12 बजे से पहले ज़रूर मिलेगा।